हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं। जैसा कि देखिए, मेरा बैंक है वो क्या एनपीसीआई से लिंक है, और आधार नंबर देखिए यहाँ पे लिखा है, और किस बैंक से लिंक है, कब से एक्टिव है, और उसका पूरा डेट भी आप कैसे देख सकते हैं। अगर आपका एनपीसीआई से कनेक्ट नहीं है तो आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, दोनों का प्रोसेस में। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कैसे करना है इसको और कैसे पता करेंगे इसको। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है और सर्च करना है माई आधार, ठीक है। तो जैसे माई आधार सर्च करेंगे यहाँ पे, तो आपका एंटर करने के बाद आपको ये वेबसाइट खुलेगा, पहले वाला यहाँ पे माई आधार, ये वाला। तो माई आधार पर क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला आप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे बैंक सेविंग स्टेटस चेक करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे आधार नंबर बोलेगा एंटर करने के लिए, तो आधार नंबर मैं एंटर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ मेरा आधार नंबर यह है, उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे जो कैप्चा है वो फिल करना है, तो मैं कैप्चा फिल कर दूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी सेंड करेंगे आप, तो ओटीपी जब सेंड करें यहाँ पे देखिए कैप्चा गलत है, तो हमको कैप्चा सही डालना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो देखिए मेरे मोबाइल पे ओटीपी एक आ गया है। अब मुझे क्या करना है, ओटीपी वो 1 सेकंड के अंदर इनेबल रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो मुझे ओटीपी एंटर करना होगा। आपको भी ओटीपी आएगा तो मैं भर दूंगा। यहाँ मेरा ओटीपी है, आ गया है, मैं इसको फिल कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा। जैसे लॉगिन करूँगा जो मेरा स्टेटस है वो शो होना शुरू हो जाएगा। तभी यह चल रहा है, मेरा लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको चेक करना है वो वाला बैंक सेटिंग स्टेटस। अब आप यहाँ जाएंगे तो आपका जो स्टेटस वो आपको देखिए शो हो गया यहाँ पे, आपको जिस बैंक से लिंक होगा यहाँ पे होगा। अगर लिंक नहीं होगा तो आपको यहाँ पर नहीं दिखाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी बैंक है उस बैंक में जाना है, और उस बैंक में जाने के बाद आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, पासबुक और आधार कार्ड, दो चीज़ जरूरत पड़ेगी। आपका मात्र 24 घंटे के अंदर में आपका जो है एक्टिव हो जाएगा ये वाला, जो अगर एक्टिव नहीं होगा तो। बाकी और कोई प्रोसेस नहीं है, यदि ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत होने की संभावना है, लेकिन अगर डायरेक्ट आप बैंक से जाकर करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है।